हे गाइस वेलकम बैक टू दी ऑनलाइन क्लासेस कंडक्टेड बाय सनराइज स्कूल माय डियर स्टूडेंट्स वी आर ऑन योर फ्लेमिंग ओज बुक एंड वी आर रीडिंग द फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन रिटन बाय अल्फोंस डोरियट इस लेसन के हमने पहले पार्ट में पढ़ा कि ये जो लेसन है ये फ्रांसीसी और परसिया के बीच में जो युद्ध चल रहा था उन दिनों में लिखा गया था अठारह सौ की बात है जब फ्रांस और परसिया के बीच लड़ाई चल रही थी और इस लड़ाई में फ्रेंस फ्रांस वाज डिफीटेड बाय प्रसिया प्रसिया ने फ्रांस को हरा दिया था और उस समय इसके जो फ्रांस के जो दो डिस्ट्रिक्ट थे उन दोनों डिस्ट्रिक्टों अलसेस और लोरेन यहाँ पर इनका कब्ज़ा हो गया था प्रशिया का और यहाँ पर इन्होंने स्कूलों में फ्रांसीसी भाषा को हटाकर जर्मनी भाषा का सब्जेक्ट लगा दिया था तो इस बात से एक छोटा सा लड़का है जो इस कहानी का नरेटर है फ्रेंड्स वो बड़ा दुखी होता है सारे गांव वाले बड़े परेशान हैं कि उनका वे ग़ुलाम हो गए हैं उनसे उनकी भाषा भी छीन ली गई है तो पर्सिया जो देश है आज पर्सिया नाम से आपको देश नहीं मिल रहा है लेकिन पर्सिया पहले जर्मनी पोलैंड और ऑस्ट्रिया इन तीनों देशों से मिलकर एक ताकतवर राष्ट्र था परसिया तो आओ इस कहानी को हम पढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि उनका जो टीचर है एम हेमल वो बड़ा ही देशभक्त टीचर है उसको बड़ा दुख हुआ कि अब फ्रांसीसी भाषा यहाँ नहीं पढ़ाई जाएगी वो फ्रांसीसी भाषा का टीचर है फ्रांसीसी सब्जेक्ट पढ़ाता है तो आगे देखते हैं यहाँ से पढ़ना है हमने आ, तो जो फ्रेंड्स नामक लड़का है वो थोड़ा लेट स्कूल पहुँचता है वहाँ जाके देखता है कि स्कूल का तो माहौल ही बिल्कुल अलग है बिल्कुल खामोशी छाई हुई है बाद में उसको पता चलता है कि गांव के कुछ लोग भी क्लास में बैठे हैं और ये सब अपने टीचर को सम्मान देने के लिए आए थे और टीचर भी नया सूट पहने हुए था क्योंकि उसका ये लास्ट लेसन था आज वो कल वो जाएगा यहाँ से तो इतने सालों से इस स्कूल में वो पढ़ा रहा है तो गांव के लोग भी उसको सम्मान देने के लिए आए हैं और अपने देश के प्रति प्रेम को जताने के लिए यहाँ आए हैं यहाँ से देखिए भाई लाइव आज वंडरिंग अबाउट इट आल वंडर मीन सोचना जब मैं इन सब बातों के बारे में सोच रहा था कि गाँव के लोग क्यों आए हैं यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है तो एम हेम एल माउंटेडी चेयर एम हेमल अपनी कुर्सी पर बैठ गए ये तो हमने पढ़ा दिया था इससे आगे पढ़ते हैं यहाँ तक हमने पढ़ा दिया है यहाँ से देखिए वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ आल दिस जिस समय ये सब बातें मैं सोचे जा रहा था आई हर्ड माई नेम कॉल्ड तभी मेरा नाम मैंने सुना कि मेरा नाम पुकारा गया है हार्ड मीन सुना माई नेम कार्ड मेरा नाम पुकारा गया है इट वॉज़ माई टर्न टू रिसाइट अब मेरी बारी थी पाठ को बोलने की वट वुड आई नोट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल्स ऑल थ्रू। और मैं पार्टिसिपल्स के उस भयानक रूल के बारे में आई नोट से उसके बारे में मैं कुछ कहने में सक्षम नहीं था ड्रेड रूल्स उन भयानक नियमों के बारे में फॉर पार्टिसिपल्स पार्टिसिपल्स के बारे में आल थ्रू पूरा का पूरा मैं बिल्कुल पूरी तरह से जो है सक्षम नहीं था पार्टिसिपल्स के उस ड्रावने रूल के बारे में बताने के लिए वेरी लाउड एंड क्लियर तो क्या मैं वो बोल पाऊँगा क्लियरली बोल पाऊँगा लाउडली बोल पाऊँगा तो ये मैं सोचे जा रहा हूँ एंड विदाउट वन मिस्टेक और बिना किसी गलती के बोल पाऊँगा बट आई गोट मिक्सड अप ऑन दी फर्स्ट वर्ड्स लेकिन मैं तो पहले ही शब्दों में फंस गया एंड स्टूड देयर और खड़ा रह गया होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क अपने डेस्क को पकड़े हुए माई हार्ट बीटिंग मेरा दिल धड़क रहा था एंड नोट डेयरिंग टू लुक अप और मुझ में डेयर सास नहीं हो रहा था टू लुक अप ऊपर देखने का आई हार्ट एम एम एल से टू मी तो मैंने सुना कि एम एम एल मुझसे कह रहे हैं एम एम एल कौन इनके टीचर आई वॉन्ट्स कोल्ड मीन डांट ना लिटल फ्रेंड्स लिटल फ्रेंड्स मैं तुम्हें डाटूंगा नहीं कोई बात नहीं तुम्हें ये होमवर्क नहीं करके लाए हो तुम्हें पार्टिसिपल्स के नियम याद नहीं है मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं सी हाउ इट इज देखो ये कैसे है एवरीडे वी हैव सेट टू आवर सेल्स हम रोज़ाना अपने आप से ये कहते रहते हैं बा आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम अरे अभी तो मेरे पास काफ़ी समय है आई वी लर्न इट टमारो मैं ये सब कल सीख लूँगा तो जब पार्टिसिपल्स के रूल वो फ्रेंड नहीं सुना पाए तो टीचर ने कहा कि कोई बात नहीं मैं बताता हूँ कि गड़बड़ कहाँ है गलती हम सब की है हम सब ये सोचते हैं कल करेंगे कल करेंगे लेकिन कल कभी आता नहीं एंड नव यू सी और अब तुम देख रहे हो वेयर वी हैव कम आउट अब हम कहाँ पहुँचे हैं आ दैट इज़ द ग्रेट ट्रबल विद अलेशस यही तो अलसेस की जनता की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दैट इज़ द ग्रेट ट्रबल यही सबसे बड़ा संकट है समस्या है विद अलसेस अलसेस के लोगों का सी पुट्स ऑफ अलसेस की जो सी मीन जनता पुट्स ऑफ टालती रहती है लर्निंग पढ़ाई लिखाई टिल टुमारो कल के लिए टालती रहती है लर्निंग का काम सीखने का काम ज्ञान प्राप्त करने की बात कल पर टाल देते हैं कल करेंगे कल करेंगे एंड दोज फेलोज आउट देअर और जो वे बाहर के लोग हैं मतलब जो वे जर्मनी के लोग हैं जो सैनिक हैं बाहर विल हैव टू राइट टू से टू यू उनको अधिकार मिल गया मौका मिल गया टू से टू यू तुमसे ये कहने का मौका मिल गया हाउ इज़ इट ऐसे कैसे हो सकता है वो क्या कहेंगे हमें हम पर कटाक्ष करेंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है यू प्रिटेंड आप लोग दिखावा करते हैं प्रिटेंड मीन दिखावा करना टू बी फ्रेंस मैन फ्रांसीसी होने का नाटक करते हो तुम कहते हो कि हम फ्रांसीसी हैं एंड यट यू कैन ना इधर स्पीक नो राइट योर ओन लैंग्वेज और फ्रांसीसी होकर भी तुम अपनी खुद की भाषा को ना तो बोल सकते हो ना लिख सकते हो फ्रांसीसी होकर तुम फ्रांसीसी भाषा को ना तो स्पीक बोल सकते हो नो राइट ना तुम लिख सकते हो तुम कैसे फ्रांसीसी हो ये कहने का मौका बाहर के लोगों का मिल गया यह हमारी गलती है क्योंकि हम सीखने की बात कल पर टालते रह टालते रहे टालते रहे बट यू आर नाट दी रोस्ट पुअर लिटल फ्रेंड्स लेकिन वो फ्रेंड्स को कहता है बच्चे केवल तुम ही गलत नहीं हो रोस्टमिन सबसे खराब केवल तुम्हारी ही सबसे बड़ी गलती नहीं है वी हैव ऑल ए ग्रेट डील हमारे पास भी बहुत कुछ है टू री अप्रोच अपने आप को आवर सेल्स विद अपने आप को धिकारने के लिए हमारे पास भी बहुत कुछ है योर पेरेंट्स वर नोट एन तुम्हारे माँ बाप कभी भी इंटरेस्टेड नहीं थे इन एक्सीएस इंटरेस्टेड या उतावले इनफ टू लेट लीव टू हैव यू लर्न तुम्हें पढ़ाने में तुम्हारे माँ बाप भी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे दे परफर्डर प्रफर्ड होता है प्राथमिकता देना टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म या तो वे तुम्हें खेतों में काम कराते कराने के और ऐट दी मील्स या फिर किसी मील में नौकरी कराने के ज़्यादा परफर्ड थे ज़्यादा प्राथमिकता देते थे पढ़ाई की बजाय वो या तो खेतों में काम करवाते थे तुमसे या फिर किसी फैक्ट्री में काम करवाने में ज़्यादा प्राथमिकता देते थे सो एज़ टू हैव ए लिटल मोर मनी ताकि थोड़ा और पैसा कमाया जा सके तो तुम्हें बचपन में ही काम पे लगा देते थे पढ़ाई में इंटरेस्ट था ही नहीं तुम्हें भेजते ही नहीं थे स्कूल एंड आई और मैं गलती मेरी भी है मैं भी दोषी हूँ आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो मुझे मुझ पर भी दोष होना चाहिए हैव आई नॉट ऑफन सेंड यू सेंट यू क्या अक्सर मैं आपको नहीं भेज दिया करता था टू वाटर माई फ्लावर्स अपने फूलों में पानी देने के लिए अक्सर मैं तुम्हें भेज दिया करता था इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स बजाय तुम्हें तुम्हारे पाठ पढ़ाने के मैं तुम्हें पौधों में पानी देने के लिए नहीं भेज देता था एंड वैन आई वाटिड टू गो फिशिंग और जिस दिन मुझे मछली पकड़ने जाना होता था डिड आई नोट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे तो क्या मैं उस दिन केवल इसी लिए तुम्हारी छुट्टी नहीं कर देता था कि मुझे मछली पकड़ने जाना है तो गलती मेरी भी है गलती अलसेस की जनता की भी है तुम्हारे माँ बाप की भी है तुम अकेले गलत नहीं हो दैन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हेमल वेन टोन टू टाक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज फिर एक 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 बात से दूसरी बात करते करते वो फ्रांसीसी भाषा के बारे में बात करने लगे एम हेमल इनका का जो टीचर है फ्रांसीसी भाषा के बारे में बात करने लगे सेइंग कहने लगे दैट इट वॉज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन दर्ल्ड कि फ्रांसीसी भाषा दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है दिलरेस्ट सबसे स्पष्ट भाषा है साफ भाषा है द मोस्ट लॉजिकल सबसे लचीली भाषा है लचीली भाषा क्या होती है जिसमें दूसरी भाषाओं के शब्दों का समावेश आसानी से हो सके दैट वी मस्ट गार्ड इट अमोंग अस ऐसी भाषा को हमें अपने बीच में सुरक्षित रखना चाहिए मस्ट अवश्य गार्ड मीन सुरक्षित रखना चाहिए इट इस भाषा को अमोंग अस हमारा अपने बीच में एंड नैर फॉरगेट इट और इसके कभी इसको कभी नहीं भूलना चाहिए बिकॉज वैन ए पीपल आर इंसलेवड क्योंकि जब किसी देश के लोग गुलाम होते हैं एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देर लैंग्वेज तो जब तक वे अपनी भाषा से जगड़ कर बंधे रहते हैं होल्ड फास्ट कसकर बंधे रहते हैं इट इज़ एज इफ देड द की टू देर प्रीजन तो भाषा उनके लिए प्रीजन की चाबी जेल की चाबी सिद्ध होती है मतलब जो अपनी भाषा से जुड़े रहते हैं तो सारा देश भाषा के नाम पर एकता के सूत्र में बन जाता है और सामूहिक प्रयास करते हैं और आज़ाद हो जाते हैं ही ओपन ए ग्रामर एंड रीड अस रेड अस आवर लेसन फिर उन्होंने ग्रामर की बुक खोली और हमें हमारा पाठ पढ़ाया आई वाज में मैं बड़ा हैरान था टू सी मैंने देखा हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट कि मैं इस ग्रामर के लेसन को कितने आराम से समझ गया आई अंडरस्टूड इट मैं इसको समझ गया और दिन तो मुझे समझ में नहीं आता था आज कैसे समझ गया आल ही सैड seemed सो ईजी सो ईजी जो कुछ भी वो ग्रामर के बारे में बता रहे थे बड़ा ही ईजी लग रहा था बड़ा ही ईजी लग रहा था आई थिंक तो मैं समझता हूँ टू मैं ये भी समझता हूँ मैं ये भी सोचता हूँ दैट आई हैड नेवर लिस सो केयरफुल्ली कि मैंने भी शायद इतने ध्यान से कभी अपने टीचर को सुना नहीं था ध्यान से सुनता तो पहले भी आसान लगता लेकिन पहले मैं कभी ध्यान से सुनता ही नहीं था एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन और मेरे टीचर ने भी कभी एक्सप्लेन नहीं किया एवरी हर बात को हर चीज़ को विद सो मच पेशेंस इतने धैर्य के साथ तो ना तो टीचर ने कभी इतने धैर्य से पढ़ाया ना मैंने कभी ध्यान से समझा इसलिए मैं न, मैंने ध्यान से नहीं सुना इसलिए मैं कभी समझ ही नहीं पाया आज सब कुछ समझ में आ गया इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ ऐसा लग रहा था सीम्ड लग रहा था ऑलमोस्ट कि लगभग एज इफ मानो कि दी पुअर मैन ये अभागा व्यक्ति मेरा टीचर वांटेड टू तो गिव अस हमें वो देना चाहता है आल ही न्यू जितना ज्ञान वो उसके पास है आल ही न्यू जितना वो जानता है वो सब कुछ देना चाहता है आज ही देना चाहता है बिफोर गोइंग अवे यहाँ से जाने से पहले एंड टू पुट इट आल इन टू आवर हेड्स और इन सब बातों को हमारे दिमाग में हमारे सिरों में डालना चाहता है ये जो सारी पढ़ाई आज जो ग्रामर कराया और बहुत सी बातें आज सारी की सारी बातों को हमारे दिमाग में डालना चाहता है एट वन स्ट्रोक एक ही प्रहार में एक ही प्रयास में एक ही झटके में ऐसा लग रहा था हमारा टीचर आज सब कुछ हमें सिखा के जाना चाहता है क्योंकि आज उनका लास्ट डे है कल वो नहीं पढ़ा पाएंगे आफ्टर दी ग्रामर वी हैड ए लेसन इन राइटिंग ग्रामर के बाद हमें राइटिंग का एक लेसन दिया गया सुलेख दिया गया दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस उस दिन एम हेमल हमारे लिए नई 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 कापियाँ लेकर आए थे सब बच्चों के लिए एक एक कॉपी और उस कॉपी में रिटर्न इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड गोल गोल हाथ से बड़ा सुंदर लिखाई में अक्सर लिख रखे थे फ्रांस अलसेस फ्रांस अलसेस तो हमने ऐसे ऊपर से देख देख करके ऐसे अक्सर नीचे कॉपी में लिखने थे दे लुकड लाइक लिटल फ्लैग्स ये अक्सर ऐसे लग रहे थे मानो कि छोटे छोटे झंडे हैं एवरीवेयर फ्लोटिंग जो तैर रहे हैं एवरीवेयर इन द स्कूल रूम स्कूल कमरे में स्कूल के कमरे में हर जगह हमारी क्लासरूम में ऐसा लगा कि ये शब्द जो हैं कॉपियों में एक झंडे की तरह हैं और जो तैर रहे हैं हंग फ्रॉम द रोड एट दी टॉप ऑफ हर डेस्क ऐसा लगा कि ये झंडे हमारे डेस्कों पर एक रोड पर लटके हुए हैं यह अक्सर नहीं झंडे लगे हमें यू ओट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं कि हर कोई किस तरह काम में जुट गया था उस दिन एंड हाउ क्वाल और वहाँ कितनी खामोशी थी उस दिन दी ओनली साउंड वाज स्क्रैचिंग ऑफ दी पेंस ओवर दी पेपर वहाँ केवल आवाज़ आ रही थी तो कागज़ पर पेन के स्क्रैचिंग चलने की आवाज़ आ रही थी वन सम बीटल्स फ्ल्यूइन एक बार कुछ भँवरे उड़कर अंदर आए बीटल भावरे बट नबड़ी पेड़ एनी अटेंशन टू देम लेकिन किसी ने भी भंवरों की तरफ ध्यान नहीं दिया नॉट इवन दी लिटलेस्ट वंस यहाँ तक कि सबसे छोटे बच्चों ने भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया हु वर्कड राइट जो काम में जुटे हुए थे उन ट्रेसिंग ट्रेस करने के काम में देयर फिश हुक्स मछली का काटा ट्रेस कर रहे थे वो एज इफ दैट वॉज फ्रेंच टू ऐसा लग रहा था मानो कि ये भी फ्रांसीसी हो ऑन द रूफ ऑफ द पीजेंस कूड वेरी लो और छत पर जो कबूतर है वो धीरे धीरे घुटरगू कर रहे थे कूड गुटरगू करना एंड आई थॉट टू माई सेल्फ और मैं अपने आप से अंदर मनी मन सोचने लगा विल दे मेक दैम सिंग इन जर्मन क्या ये लोग कबूतरों को भी जर्मनी में गाना गवाएंगे इवन द पीजन्स यहाँ तक कि कबूतरों को भी जर्मनी सिखाएंगे हमें तो इन्होंने जर्मनी थोप दिया हमारे ऊपर क्या कबूतरों को भी जर्मनी सिखाएंगे वैन एवर आई लुकडा फ्रॉम माई राइटिंग जब जब मैं लिखते लिखते ऊपर की तरफ देखता सा तो मैं देखता एम हैमल सिटिंग मोशनलेशस कि एम हैमल निश्चल बैठे थे मोशनलेशस होता है बिना हिले डुले बैठे थे इन्हीं चेयर बस अपनी कुर्सी में बैठे दिखाई देते बिल्कुल निश्चल एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग पहले एक चीज़ को देखते दैन ऐट अनदर फिर कमरे में दूसरी चीज़ को देखते एज इफ ई वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड मानो कि वह अपने दिमाग में फिक्स करके ले जाना चाहते हैं हाउ एवरी थिंग लुकड इन दैट लिटल स्कूल रूम कि स्कूल के छोटे से कमरे में हर चीज़ कैसी दिखती थी वो यादें अपने साथ ले करके शायद जाना चाहता है क्योंकि वो आज चले जाएंगे फैंसी फॉर फोर्टी ईयर्स चालीस साल से ही हैड बिन देयर वो स्कूल में थे इन दी सेम प्लेस इसी जगह पर चालीस साल से इसी स्कूल में पढ़ा रहे थे विद इस गार्डन आउटसाइड बाहर उसका बगीचा होता था दंडोज खिड़कियों के बाहर बगीचा होता था विंडो एंड इज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम एंड इज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम चालीस साल से यही था बाहर बगीचा सामने उसकी क्लास जस्ट लाइक दैट बिल्कुल वैसा का वैसा कुछ नहीं बदला ओनली दी डैस्क एंड बेंचिज हैड बीन केवल डेस्क और बेंच थोड़ा सा वोर्न स्मूथ घिस कर चिकने हो गए थे दी ने ट्रीज वालनेट के पेड़ इन गार्डन वर टालर थोड़े ज़्यादा लंबे हो गए थे बढ़ गए थे एंड दी होफवाइन और होफाइन की बेल दैट ही हैड प्लान हिमसेल्फ जो उसने खुद लगाई थी खुद बोई थी ट्विंड अबाउट दी विंडोज टू द रूप वो विंडो के सहारे से खिड़कियों के सहारे से छत तक पहुँच गई थी हाउ इट मस्ट ब्रोकन हिज हार्ट उसका दिल किस प्रकार से टूट गया होगा टू लिव इट ऑल इन सब चीज़ों को छोड़कर जाने से उसका दिल टूट गया होगा पुअर मैन बेचारा टीचर टू हीयर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट सुनाई दे रहा था कि उसकी बहन जो है ऊपर कमरे में मूविंग इधर उधर घूम रही थी छत पे आवाज़ आ रही थी पैरों की इन दी रूम अबाउ पिकिंग देयर पैकिंग देयर ट्रंक्स शायद अपना सामान पैक कर रहे थे कर रही थी वो ऊपर फॉर दे है दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे क्योंकि उन्हें अगले ही दिन देश छोड़कर जाना था बट ई हैड दी कॉरेज टू हीयर एवरी लेसन टू दी वेरी लास्ट लेकिन उस उनमें इतना साहस था कि वे अंत तक हर लेसन को ध्यान से सुन सकें पढ़ा सकें आफ्टर द राइटिंग ही हैड ए लेसन इन हिस्ट्री सुलेख के बाद उन्होंने हिस्ट्री का पाठ पढ़ाया एंड देन दी बेबी चांटिड देयर बा बे बी बो फिर बच्चों ने अपनी बाराखड़ी खड़ी गाई डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम और वहाँ कमरे में सबसे पीछे ओल्ड हाउसर बूढ़ा जो गांव का हाउज़र था हेड पुट ऑन हीज स्पेक्टिकल्स उसने भी अपने चश्मे पहन लिए थे एंड होल्डिंग होल्डिंगज प्राइमर इन बोथ हैंड्स और वह भी अपने दोनों हाथों में अपना कायदा पकड़े हुए था स्पेल्ड द लेटर्स विद डैम और बच्चों के साथ साथ वो भी अक्सर बोल रहा था यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग आप देख सकते हैं आप देखते तो आपको लगता कि वो भी चिल्ला रहा था बच्चों के जैसे बच्चे तेज तेज़ बोल रहे थे बा वो भी ऐसे ही चिल्ला रहा था हिज इज़ वाइजेंबल्ड विद इमोशंस उसकी आवाज़ कांप रही थी विद इमोशन भावना की वजह से क्योंकि उसके अंदर दर्द था कि उनका टीचर आज जा रहा है पैंतालीस साल सेवा के बाद और वे ग़ुलाम हो गए हैं एंड देट वॉज सो फनी टू हीर हिम और उसको देख बड़ा मजाक सा आ रहा था क्योंकि उनकी बोलने का ढंग ऐसा था तो इतना फ़नी लग रहा था दैट वी वॉन्टिड टू लाफ एंड क्राई कि हम भी हंसना चाहते थे उसकी बात पर और चिल्लाना चाहते थे ज़ोर ज़ोर से हंसना चाहते थे आ हाउ वेल आई रिमेंबर इट द लास्ट लेसन देखो मैंने लास्ट लेसन कितने अच्छे से याद कर लिया था आल एट वंस द चर्च के लोग स्ट्रक ट्वेल्व तभी एकदम से गिरजा घर के घड़े ने बारह बजाए देन देंजलस the फिर एंजलस के घड़े में भी बारह बज गए एट द सेम मोमेंट उसी क्षण द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्सियन पर्सियन सिपाहियों की विजय के गीत ट्रम्पेट तो होते हैं नगाड़े ढोल रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल जो अभ्यास करके वापस लौट लो, रहे थे उनके ढोल साउंडेड सुनाई देने लगे अंडर आवर विंडोज़ हमारी खिड़कियों के नीचे उनकी ढोलकों की आवाज़ नगाड़ों की आवाज़ सुनाई देने लगी एम एम एल स्टूडअप एम एम एल खड़े हो गए वेरी पेल वो बड़े कमज़ोर लग रहे थे इन्हीं चेयर अपनी कुर्सी पर खड़े हो कुर्सी से खड़े हो गए आईसान नेबर साहिम लुक सोटाल आज तक मुझे वो इतने लंबे नहीं लगे जितने आज लग रहे थे माई फ्रेंड्स सैड ही उसने कहा मेरे दोस्तों आई आई बट समथिंग चोकड हिम लेकिन इतना कह कर के किसी बात ने उसका गला रोक दिया उसका गला भराया ही कुड नोट गो ऑन अब वो आगे नहीं बोल पाया दैनी टू दी ब्लैक बोर्ड फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ा बोल नहीं पाया तो उसने क्या कि अटुके पीसोप चाक चाक का टुकड़ा लिया एंड बीरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट बियर मीन जुटाते हुए माइट मीन ताकत हिम्मत शक्ति और अपनी पूरी ताकत जुटाते हुए ही रोट उसने लिखना शुरू किया एज लार्ज एज ही कुड जितना बड़ा बड़ा वो लिख सकता था ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया उसने वाइव ला फ्रांस फ्रांस जिंदाबाद देन ही स्टॉप्ड फिर वो रुक गया एंड लीड हिज हेड अगेंस्ट दीवाल और फिर उसने दीवार के साथ अपना सिर लगा लिया एंड विदाउट ए वर्ड और बिना कोई शब्द बोले ही मेड ए गेस्टर तो बस उसने हमारी तरफ इशारा किया विद इज हैंड अपने हाथ से इशारा कर दिया स्कूल इज डिस यू मे गो इशारा क्या था उन्होंने हाथ से इशारा किया कि छुट्टी हो गई है अब तुम जा सकते हो ऐसा इशारा इसा कर दिया क्योंकि वो बोल नहीं पा रहा था इमोशंस ने उसके गले को रोक दिया था उसको बड़ी तकलीफ़ हो रही थी क्योंकि देश गुलाम हो गया था उनकी भाषा उनसे छीन ली गई थी और चालीस इस लगातार इस गाँव में इस स्कूल में लगातार सेवा ए, करते करते आज वो छोड़ने का जो विचार था ये सोच करके उनको रोना आ रहा था तो ये था बेटे आपका द लास्ट लेसन उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा समझ में भी आया होगा और इसके कुछ क्वेश्चन हम आपको भेजेंगे जो आपने याद करने ओके बेटे बाय